नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बच्चों की बेहतर शिक्षा और उनके अधिकार और बेरोजगारी को लेकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन 10 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगा, जिसकी तैयारी को लेकर अररिया के मिडिल स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां फेडरेशन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर अपने अपने विचार प्रकट किए। फेडरेशन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराएगी, साथ ही बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा देगी, लेकिन इन सारे मामलों में सरकार पूरी तरह से फेल है। हम लोग जन संगठन है, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट फाउंडेशन, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर नौजवानों को नौकरी के नाम पर और छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, इसको लेकर हम लोग 10 मार्च को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कॉलेजों में जो नामांकन से वंचित छात्र छात्राएं हैं उनका नामांकन हो, और आपने जो वादा किया है 19 लाख नौकरी देने का बेरोजगारों को, वो आप पूरा कीजिए, अपने वादा को पूरा कीजिए। नहीं कीजिएगा तो हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और आपका 10 मार्च को हम विधानसभा घेरेंगे, और जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए, इस कार्यक्रम जो है हमारे पूरा जिला और पूरे बिहार में चल रहा है, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का, पूरे बिहार में चल रहा है कि 10 मार्च को विधानसभा घेराव करेंगे। का मौलिक अधिकार है हमारे देश के संविधान में और सब बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन हमारे बिहार में शैक्षणिक माहौल नहीं है। एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में आदर्श आचार संहिता की वजह से मुकामा ट्रामा सेंटर का उद्घाटन समारोह स्थगित हो गया। सास शैया वाले इस ट्रामा सेंटर का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सौजन्य से 4 मार्च को होना था। मुकामा वासियों के ट्रामा सेंटर की आकांक्षा और प्रतीक्षा सूची में पहुंच गई है। बताया गया कि आचार संहिता लागू होने से उद्घाटन समारोह को रोकना पड़ा। वैसे शुभारंभ समारोह को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। पूरे अस्पताल परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। 2022 को ट्रॉमा सेंटर, जो रेफरल अस्पताल मुकामा के कैंपस में है, उसका उद्घाटन होने वाला था, लेकिन एमएलसी का चुनाव का डेट आ जाने के कारण वो स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक। युद्ध को लेकर यूक्रेन में तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अररिया के एक दर्जन से अधिक मेडिकल के छात्र अभी भी यूक्रेन के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में फंसे हुए हैं। इस मामले में जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक 4 स्टूडेंट के अभिभावक संपर्क में हैं, उन्हें वहां से वापस लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कहा कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग से लगातार मैं खुद संपर्क में हूँ। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से वार हुआ है उसी दिन से लगातार संपूर्ण भारत के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हैं सबको निकालने का अथक प्रयास कर रहे हैं, और लगातार वो सबके संपर्क में हैं, और कई 2-3 जहाज तो वहाँ से आया भी है, और उसी कड़ी में अररिया जिले के भी हमारे छात्र यूक्रेन में फंसा है। कुछ लोग आए भी हैं कल, लेकिन बहुत जल्दी मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल के सबको भारत लाया जाएगा, और अररिया जिले के भी जितने बच्चे हैं सबको बहुत जल्द भारत लाने का व्यवस्था किया जा रहा है। मेरा बच्चा जो है 2018 से यूक्रेन में है, और बहुत जो है मुश्किल से जो है बच्चे को संवार के जो है और उस लायक तक पहुंचा के जो है बच्चे को मेडिकल की पढ़ाई में जो है एडमिशन कराया यूक्रेन में, और 2018 से बच्चा वहाँ है। बच्चा जो है पढ़ रहा था, 4th साल में है बच्चा कोर्स में, और अभी जो है हालात जो है रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और युद्ध के वजह से बच्चा वहां फंस गया है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं और जिला पदाधिकारी को भी जो है उससे गुहार लगा रहे हैं। पालीगंज में महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना पालीगंज के सिकरिया गांव की है, जहां बधाड़ से चादर में लिपटा एक महिला का शव बरामद किया गया। ग्रामीणों की नजर जैसे ही शव पर पड़ी तो तत्काल पालीगंज पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पालीगंज पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, और पूरे मामले की जाँच की जा रही है।
पालीगंज में जमीनी विवाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें मां बेटे को गोली लगी है। घटना पालीगंज थाना अंतर्गत कोरड़ा गांव की है जहां जमीनी विवाद में गोली लगने से मां और बेटे घायल हो गए। परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में लाया जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH भेज दिया। वहीं मामले में थाना अध्यक्ष विजय गुप्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। गोली तो सर विनोद मारा अपने चंदन। क्या कारण था गोली वाला? कारण तो सर 6 महीना से विवाद ही चल रहा था। अच्छा ठीक है, थाना को लोग सूचना देते रह गए, सूचना दे थाना भी इस पर कार्रवाई कुछ नहीं किया है सर। किस चीज का विवाद था? विवाद कुछ नहीं, भूमि विवाद है, कुछ विनोद चंदन यादव का इन लोग दुश्मनी साधना था कुछ अपना। शाम करीब 7:45 में दो मरीज हमारे पास है, एक मुन्ना यादव जो 36 वर्षीय मेल पेशेंट थे, ग्राम कुड़ारा कुड़ारा का रहने वाला, पालीगंज थाना पटना से आए थे जी जी। उनका गले गन शॉट इंजुरी था, गोली लगने के चलते घायल हुए थे। मसौढ़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना मसौढ़ी के दाऊदपुर मोहल्ले की है जहां असामाजिक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर तोड़ दिया गया। वहीं प्रतिमा तोड़े जाने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। घटना यही हुआ सर कि इस जमीन को मठ में लिखा हुआ है, देख ही रहे हैं। और इस पर एक डीप के आदमी है बलेसर पासवान जो कहते हैं कि हमको रजिस्ट्री किया हुआ है, जो हम यहाँ ईंटा उटा गिरा दिए थे, बालू उलू गिराए थे, लेकिन हम लोग विरोध करके बाबा की मूर्ति बैठाए। हाँ, उसको बाद में रात में तोड़ दिया गया जी। क्या चीज का मूर्ति था? बाबा भीमराव अम्बेडकर का। ये घटना कब हुई? रात में हुआ। क्या नाम है आपका? जोगिंदर दास। ये घटना कैसे हुआ है? रात में तोड़ दिया गया अम्बेडकर जी की मूर्ति, लोग के अटोर के नली में फेंक दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।